जिथे किसानी संघर्ष की अगवाई कर रहे किसान आगुओं वालों लगातार दीप सिद्धू नूं एक शरारती आंसर दस उसनूं संयुक्त किसान मोर्चे विच शामिल नहीं किया गया। उधर बीते समय विच दीप सिद्धू की अस्पष्ट रणनीति तहत कदे किसान आगुओं का विरोध सामने आया, कदे कहा गया कि किसान आगू प्रोग्राम देन तां दीप सिद्धू वालों फुल चढ़ाए जाणगे। करो एका ना तोड़े हो, एका ना तोड़े हो। मैं कहना भाई जी एका किवें ना तोड़े हो, थोनू ग्राउंड रियालिटी पता की हो रहा। 17 किसान जथेबंदियां दे आगू एक पासे मीटिंग करते आ, 13 एक पासे मीटिंग करते आ, केड़ा एका फिर इहदा? थोड़े मूहरे उत्थे दिल्ली जदों मीटिंग करन जांदे आ जिहदे चों कुछ नहीं निकलदा, उत्थे जरूर इकट्ठे जांदे आ, पर थोनू इन बिटवीन। हां जी, साडे आगू कॉल देण, जो उन्हां दी कॉल होऊगी असीं उस कॉल ते खड़े आ। बीते दिन एक वीडियो विच दीप सिद्धू दे हरियाणा दे लोकां प्रति एक विवादित बयान ते किसान आगू सुरेश कोट ने दीप सिद्धू नूं भाजपा दा प्लांटेड बंदा दस्या, जो किसानी संघर्ष नूं धार्मिक रंगत देण दी कोशिश कर रहा है। उन्हां कहा कि संघर्ष दे मुढ तों ही सरकार दे अफसरां ने इस गल दा अध्ययन करना शुरू कर दिता सी कि संघर्ष नूं किवें खदेड़िया जावे, जिस ते चलदिआं कई साजिशां रचियां गईआं अते रचियां जाणगीआं। हमारा जब से आंदोलन चला, यहां बहुत बड़े बड़े अफसरों की ड्यूटी लगी, बड़ी बड़ी एजेंसियों की ड्यूटी लगी, और उनसे दो तीन सवाल किए गए कि ये जो किसानों का आंदोलन है इसको किस तरह तोड़ा जाए, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी पंजाब के सभी आंदोलनों को रीड करके पढ़ के कि पंजाब के आंदोलनों का आज से पहले इन्होंने मांग क्या रखी, आखिर में रिजल्ट क्या रहा, और यहां के वो आंदोलनों का जो आज तक किसानों के आंदोलन चले वो आखिर में जाकर के कहां टिकते हैं और उनका रिजल्ट क्या रहता है। हमारे आंदोलनों के अंदर कमजोरी ढूंढने की कोशिश की गई, हमारे पिछले दौरान की गई सभी कमजोरियों के ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया और 4 कमजोरियां हमारे आंदोलन में ढूंढने की कोशिश की गई, मगर वो हमारी ताकत बन चुकी है, कमजोरी नहीं रही। पहली कमजोरी, भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े अफसरों ने कहा कि पंजाब के अंदर जितने पिछले आंदोलन हुए वो लंबे समय चलने के बाद एक धार्मिक भावना के आंदोलन बन जाते हैं, वो अपने असल मूल से भटक जाते हैं। कि डरते ही पंजाब तो हैं। जे कह दो हरियाणे वाले तो डरते हैं, नहीं भाई। उधर लेके तुसी देखो शहीन बाग च मुसलमानों ने प्रदर्शन किया, एक हाथ च तिरंगा एक हाथ च मोमबत्ती, भी असी तो शांतमई हाँ, असी तो पीसफुल। सरकार ने कुट कुट दवालते उमर मेरे नाल ही से है ना, साडे वाले जदों निशान साहब लैके खड़े हो जाते हैं जरूरत नहीं पई। कल परसों एक भाई का दर्द झलकिया, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करी थी आज तक, मगर आज बताऊंगा उस भाई का दर्द क्या है। दीप सिद्धू आप उसको बोलते, उसने कहा कि हरियाणा के लोगों से सरकार नहीं डरती, वो एक हाथ में तिरंगा रखते हैं एक हाथ में मोमबत्ती रखते हैं। हाँ, हम राष्ट्रवादी हैं, कल भी वो माफी मांग रहा था हमारे को, कहता था कि हरियाणा के साथी इंडियन की तरह सोचते हैं, हैं इंडियन सोचते क्या? उसका दर्द ये नहीं है, उसका दर्द ये नहीं है, उसका दर्द दूसरा है। ऐसे ऐसे साथियों को जब जब तब पंजाब में बड़े आंदोलन हुए उसके अंदर सरकार के एजेंसियों को लोगों लोग घुस करके और धार्मिक नारे लगा करके पंजाब के किसानों का नुकसान पहुंचाते रहे हैं। ऐसे लोग प्लांट किए जाते हैं। उसका दर्द यह था कि हमने कोशिश की मगर यह पंजाब का आंदोलन तो नहीं रहा, यह तो पूरे देश का आंदोलन बन गया। मैं खुले मन से उन साथियों को बताता हूं, यह राष्ट्रवादी लोगों का आंदोलन है और
किसान से बड़ा इस देश के अंदर कोई राष्ट्रवादी नहीं है। अगर किसान के घर में दो लड़के पैदा होते हैं, एक खेती करता है, किसानी करता है, दूसरा सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करता है। आदरणीय किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप लोग ये सारे के सारे पड़ाव पार कर चुके हैं, आप भ्रम में नहीं आए, धन्यवाद कर देना चाहता हूं मैं पंजाब के साथियों का, आप इस बहकावे में नहीं आए, आपने अपने आंदोलन को किसान आंदोलन बनाए रखा। उन्हें कहा कि यह किसी एक विचारधारा का आंदोलन नहीं, सारे धर्मां अते सारियां विचारधारावां का आंदोलन है, पर संघर्ष की अगवाई पंजाब हथ सोच समझ के दिती गई है। इस अंदोलन नूं किसानी अंदोलन रहण दी ही बेनती करदिआं उन्हां मोदी सरकार नूं गलत फहमियां ना पालन की सलाह दिती। जिस दिन भी इस आंदोलन के ऊपर कोई तकरार आएगी, जिस दिन भी इस आंदोलन के ऊपर हमारे को बदनाम करने के लिए कोशिश की जाएगी भारत सरकार की कोई भी एजेंसी, हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगी, याद रखना मोदी जी आपसे ज्यादा तजुर्बा है, हमारे को भ्रम में ना रहिए, अफसर तेरे पास होंगे, क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हैं, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम परमात्मा में विश्वास करने वाले लोग हैं और हमें मात्र जनता के भले की सोचते हैं, आप जनता के बुरे की सोचते हैं।